हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको कराते हैं आज की खबरों से अपडेट। SDM व नगरपालिका कार्यालय में लगाया सैनिटाइज टनल, पहले ही दिन एक महिला फिसल कर गिरी। खरखोदा SDM कार्यालय व नगरपालिका कार्यालय में एक एक सैनिटाइज टनल लगाया गया है ताकि कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जा सके और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में कुछ मदद मिल सके। पहले दिन SDM कार्यालय में आनन फानन में ये व्यवस्था की गई थी, जिससे इस टनल के पास ही पानी बहने लगा। यहाँ से गुजरने वाली एक महिला फिसल कर पानी में गिर गई। इस मौके पर पहुँचे अन्य लोगों ने उन्हें उठाया और वे बाद में SDM कार्यालय में अपने काम के लिए पहुंची। दुकानदारों ने SDM से मांग की है कि उनकी दुकानें खोली जाएं। खरखोदा के दुकानदारों ने खरखोदा शहर की सभी परचून की दुकानें कुछ समय के लिए अन्य शहरों की तर्ज पर खोलने की मांग की है। परचून विक्रेता सोमवार को खरखोदा हल्का विधायक जयवीर बाल्मीकि के आवास पर पहुंचे और उनसे मांग की है कि जिस तरह से पड़ोसी जिलों में परचून की दुकानें निर्धारित समय के लिए खुलती है, खरखोदा में भी खोली जाएं, क्योंकि उनकी दुकानों में रखा हुआ हजारों रुपए का सामान खराब हो रहा है। इसलिए अन्य जिलों की भांति उन्हें भी यहां पर कुछ समय निर्धारित करके दिया जाए ताकि वे उस समय में दुकान खोल सकें और डिस्टेंस मेंटेन करके ग्राहकों को सामान दे सकें। दुकानदारों ने यह भी कहा कि मौजूदा हाल में कई थोक विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं और वे महंगे दामों पर अपनी खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। हल्का विधायक जयवीर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांग जल्द प्रशासन को भेजी जाए। इसके बाद दुकानदार खरखोदा SDM श्वेता सुहाग से भी मिले और उन्हें दुकानें खोलने के लिए परमिशन मांगी, लेकिन SDM श्वेता सुहाग ने दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी, बल्कि केवल उन दुकानदारों को परमिशन मिली है जो होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी फिलहाल मंजूरी नहीं मिली है कि वे दुकान खोल सकें। खांडा गांव के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके 1,01,000 रुपये की राशि हरियाणा सरकार को दान दी और 30,000 रुपये की राशि से खरखोदा अनाज मंडी में सैनिटाइज टनल लगवाने के लिए कहा है। इसके अलावा 10,000 रुपये की राशि गरीबों के लिए खाद्य सामग्री के रूप में उपलब्ध कराई है। ब्लॉक समिति सदस्य राजबीर दैया के नेतृत्व में खांडा गाँव के सभी ग्रामीणों के सहयोग से चंदा एकत्रित करके गांव पंचायत ने 1,41,000 रुपये की राशि एकत्रित की थी, जिसमें से 1,01,000 रुपये की राशि हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में जमा करवाई व इसके अलावा 30,000 रुपये की लागत से खरखोदा अनाज मंडी में सैनिटाइज टनल लगवाने के लिए कहा है, जबकि 10,000 रुपये की लागत से खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा के प्रशासन को दी है ताकि गरीब लोगों की सहायता की जा सके। अतिरिक्त मास्टर राजेंद्र दैया ने 31,000 रुपये की दाल व अन्य खाद्य सामग्री भी तहसील प्रशासन को उपलब्ध कराई ताकि गरीबों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि दैया खाप के आह्वान पर उन्होंने यह सहायता करने का मन बनाया है, जरूरत पड़ी तो वे आगे भी इस तरह से मदद करेंगे। SDM श्वेता सुहाग ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार डोनेट करते रहें ताकि जरूरतमंद की मदद हो सके। 3 बजे तक खरखोदा में नहीं हुई कोई रजिस्ट्री, ई परमिशन लेकर ही तहसील में आना होगा तब होगी रजिस्ट्री। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद खरखोदा तहसील में रजिस्ट्री पंजीकरण का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन रजिस्ट्री की आड़ में कई लोगों ने तहसील में आकर अपने खोखे खोलने चाहे, जिन्हें प्रशासन ने वहाँ से खदेड़ दिया, क्योंकि किसी भी तरह कि दुकान व खोखे खोलने की फिलहाल किसी को भी अनुमति नहीं है। केवल होम डिलीवरी के तहत ही दुकानदारों को अनुमति मिली है, अदरवाइज कोई भी दुकान खोलने की मंजूरी नहीं है। तहसीलदार अनिल कुमार ने कहा कि जिन लोगों को अपने दस्तावेज पंजीकरण कराने हैं, रजिस्ट्री करानी है, उन्हें पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई के बाद उन्हें ई परमिशन मिलेगी। ई परमिशन मिलने के बाद रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालय आना होगा। इसके बाद डीड राइटर को बुलाकर दस्तावेज तैयार करवाए जाएंगे और रजिस्ट्री पंजीकरण का काम होगा। ई परमिशन एक पास है जो तहसील तक आने के लिए प्रयोग होगा। इसके अलावा किसी को भी तहसील कार्यालय में फिलहाल आने की अनुमति नहीं है।
खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हरियाणा 89 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।